मनोज जी चले गए, मैं पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कई बातों से उनका समर्थन नहीं करता हूं मैं उनका, लेकिन आज जो उन्होंने माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी और पिताजी के लिए जो ट्रेन की मांग की है, तो उनका मैं उसका सपोर्ट करता हूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि रेलवे पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं शुरू करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सारे कर्मचारियों का, रेलवे कर्मचारियों का, जो कोविड के इस काल में भी उन्होंने काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। आज हम सब लोग को उनका नमन करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का, जिन्होंने ऐसा बजट दिया। जो आर्थिक परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं, फिर भी पिछले साल से ज़्यादा बजट दिया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी का कितना सारे मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक बात की तारीफ करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी की, हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि नए प्रोजेक्ट, नई ट्रेनें नहीं शुरू हुई, नई प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो रहे हैं, नए काम नहीं हो रहे। जो आप काम कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, सबसे ज़रूरी वो काम है जो पिछले काम है, जो 30 साल से नहीं हुए, 40 साल से हुए, जो सरकारों ने नहीं किए, वो आप पूरा करने का काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा नए काम शुरू करने से पहले वो पुराने काम पूरे हो जाएं जो कई सालों से नहीं हो पाए हैं। रेलवे सेफ्टी के बारे में आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में, मैं दोहराता नहीं हूँ, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नज़र ना लगे कि अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इंजन का, लोकोमोटिव प्रोडक्शन पिछले 6-7 सालों में तिगुना हुआ है। डबल लाइनिंग और सारे काम में आंकड़े मेरे पास आए, ये दूंगा तो मेरा समय निकल जाएगा। कितना समय मैम, सॉरी मैं पूछना भूल गया। 10 मिनट्स। तो मैं, क्योंकि मेरी मांगे भी हैं ज़्यादा, तो मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, जो ट्रेन सब लोग चाहते हैं नहीं बने, लेकिन मैं एक आग्रह आपसे हमेशा करता हूं, जब भी रेल पे बोलने का मौका मिलता है मैं बात जरूर दोहराता हूं कि हम लोग एसी में और जो एसी फर्स्ट में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं, लेकिन जो हमें ख्याल रखना है, जो इस देश का आम नागरिक चलता है स्लीपर क्लास में, उनकी किस तरह हम लोग सुविधा और बढ़ा सकें, हम लोग को इस पर ध्यान देना होगा। मैं मानता हूँ कि पिछले कई सालों में उसमें बहुत सुधार हुआ है और जो डब्बे हैं और उनमें कई बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो जनरल बोगी में लोग चलते हैं, मैं आग्रह मंत्री से बार बार कहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा उन बोगियों को बढ़ाने की, और जनरल ट्रेन भी चलें, क्योंकि मैं जो अपने क्षेत्र का मैं बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार का, मैं जब ट्रेन में चलता हूं तो मुझे दिखता है कि उन जनरल बोगियों में बहुत भीड़ होती है। मैं आग्रह करूँगा और उन ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें जनरल बोगी, क्योंकि मैं पूर्वा में बहुत चलता हूँ, हम लोग एसी के बाद ही जनरल बोगी लगी होती है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उसमें लोग चलते हैं। अगर उसमें और बोगियां जनरल बोगी लग सकें तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का भी आभार करना चाहता हूं कि जो स्वच्छता में काम हुआ है। रेलवे स्टेशन पे जाइए तो अब दिखाई देता है कि रेलवे स्टेशन पहले से कितने परिवर्तन है। मैं ये मानता हूँ, मैं ये अपने इस आज इस यहाँ बोलने के माध्यम से लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सफाई रखें तो रेलवे स्टेशन का बिल्कुल जो दृश्य होता है वो बदल जाता है, अगर सफाई रहे तब भी। मैं आज अपने स्टेशन बलिया का बता सकता हूँ, पिछले कई सालों में वहाँ के लोग खुद वहाँ को साफ रखते हैं, तो स्टेशन बिल्कुल बदल गया है। दिल्ली का स्टेशन मैं देखता हूँ, अगर हम लोग सफाई रखेंगे, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कहता था कि जो रेलवे के टॉयलेट्स हैं उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री से आग्रह होगा और उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। जो सफाई और बायो टॉयलेट्स जो हुए हैं उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं बलिया के बारे में इसलिए कहना चाहता था, और विशेषकर मैं बलिया पूर्वांचल के लोगों का, बलिया गाजीपुर के लोगों का एक माननीय मंत्री से आग्रह है कि जब से कोविड हुआ है और ट्रेनें कुछ कम चल रही हैं, एक लोगों के बीच में एक आशंका फैल गई है कि अब जब ट्रेन फिर से शुरू होंगी, जो रेलवे स्टेशन जहां कम ट्रेनें रुकती हैं उन रेलवे स्टेशन को हॉल स्टेशन कर दिया जाएगा। ये एक भ्रम फैल गया है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस भ्रम को जरूर दूर करें। मेरे से लगातार जो स्टेशन, छोटे स्टेशन बलिया और गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ इधर हैं, वो सब लोग मुझसे आग्रह करते हैं कि
ट्रेनें भी रुकना बंद हो जाएंगी। अब सब लोगों को पता नहीं कहां से कैसे भ्रम हो गया है कि वो हॉल स्टेशन हो जाएंगे, वहां पर टिकट नहीं मिलेगा। तो ये रेलवे, मैं बता रहा हूं कि लोगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ, सम्मान पे ले लेते हैं लोग कि हमारे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग का हॉल स्टेशन हो जाएगा, आज़ादी के से समय से हम लोग का स्टेशन है। तो मैं आग्रह करूंगा मंत्री जी से, ये जो भ्रम फैल रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है, मैं इसके लिए आग्रह करूंगा। बलिया के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बलिया क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि 1857 से मंगल पांडे जी बलिया के थे, 1942 में बलिया 14 दिन तक आज़ाद था, उन तीन जिलों में से था जहाँ बलिया आज़ाद रहा। 75 में जो जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन किया वो सबको पता है, और हम लोग के बलिया के लोगों के लिए बार बार ये मांग रही है कि वहाँ बकुल्हा स्टेशन है। मैं मंत्री से आग्रह करूँगा, व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे महाराज जी से, आदरणीय योगी जी से बात करके उस स्टेशन का अगर नाम जयप्रकाश जी के नाम पर हो जाए, तो ये जो लोग 75 में जेल गए उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होगी। हम लोग और सब लोग बलिया के ये चाहते, बलिया के नहीं लोग, जो लोग 75 की लड़ाई लड़े और जो लोग जेल गए वो सब लोग चाहते हैं कि उनका नाम पर हो। और मुझे आज भी याद है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे जब 100वां साल मनाया गया था जयप्रकाश जी का, तो उन्होंने ये घोषणा वहाँ पर की थी। मैं ये भी मैं चाहूँगा कि उनकी जो एक घोषणा थी उसको पूरा किया जाए बलिया स्टेशन के बारे में। और एक आग्रह मैं व्यक्तिगत रूप से बार बार रेलवे मंत्री से कह भी चुका हूँ और वो स्वीकार भी करते हैं कि मैं करूँगा, और ये मेरी नहीं, कई जगह ऐसी सिचुएशन है कि जो ट्रेन, कई ट्रेनें ऐसे हैं जो एक स्टेशन आकर रुक जाती हैं और वहाँ घंटों रुकी रहती हैं। अगर उस ट्रेन को, जैसे गाजीपुर में दो ट्रेनें, एक गाजीपुर से बांद्रा जाती है और एक गाजीपुर से दिल्ली जाती है, अगर वो ट्रेन वहाँ आकर कई घंटे रुके रहती है, अगर बलिया तक आ जाए, वहाँ से 50 किलोमीटर और दूर है, क्योंकि इतना समय है कि अगर वो बलिया आके फिर जा सकती है। मैं चाहूँगा दो ट्रेनों को अगर बलिया तक बढ़ा दिया जाए या छपरा तक बढ़ा दिया जाए, बिहार के लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। तो मैं माननीय रेलवे मंत्री से चाहूँगा कि ये बात कुछ गए। और जो बात हमारे साथी कह रहे हैं कि कई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मैं बाकी चीज़ों का तो नहीं कहता हूँ, अभी फैसला भी कोविड ख़त्म होगा मेरे ख्याल से अप्रैल से है कि सारी ट्रेनें फिर से शुरू हो जाएंगी। हम लोग के क्षेत्र के लोग, ये भी एक है कि स्टॉपेज के बारे में भी मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी अपनी बात बता दें। हम लोग की स्टॉपेज, अगर मैं मानता हूँ इस बात को कि कई पॉलिटिकल स्टॉपेज होते थे कि किसी ने बोला कि हमको यहाँ स्टॉपेज चाहिए, वहाँ स्टॉपेज हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो जाता था वहाँ पर। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको स्टॉपेजेस कम करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ स्टॉपेजेस जरूरी थे और उन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जाता है और वहाँ पर अगर स्टॉपेज रुक गया तो एक लोगों के मन में ये भ्रम फैल गया है, इसको भी दूर करने का मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको दूर किया जाए। मैं फिर से, अभी समय है मेरे पास, मैं माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह करूंगा कि डबलिंग का काम जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि इस कोविड के टाइम में थोड़ा कम धीरे हुआ है डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि जो हम लोग का बलिया का क्षेत्र है इससे पूर्वांचल, पूर्वोत्तर राज्य तक जा सकता है, आसाम भी ट्रेन जाती है हमारे यहाँ से, एक राजधानी गुवाहाटी जो दिल्ली राजधानी चलती है वो बलिया होके जाती है। मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि माननीय रेल मंत्री जी ने उसको हफ्ते में, पहले 3 दिन चलती थी, अब 7 दिन कर दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो जैसे डबलिंग का काम है, मैं जानता हूँ कि पिछले कई सालों में डबलिंग का काम बहुत अच्छी तरह और बहुत जोरों में चल रहा है, मैं चाहूँगा कि बलिया की जो डबलिंग का काम है और इलेक्ट्रिफिकेशन काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मैं एक और बलिया की और गाजीपुर की विशेषकर, क्योंकि पहले हमारे रेल मंत्री आदरणीय मनोज जी थे तो गाजीपुर में काम हो जाते थे, लेकिन गाजीपुर के लोगों के भी ये मांग है कि जो वहाँ पे छोटे स्टेशन हैं, जो छोटे स्टेशन हैं वो जो छोटे स्टेशन है माननीय रेल मंत्री जी, वहाँ पर काम, मैं धन्यवाद, अगर कुछ हो जाए, वहाँ पर भी छोटे स्टेशन है, वहाँ काम नहीं हुआ है कई सालों से, वो स्टेशन की हालत थोड़ी ख़राब है, अगर मैं चाहूँगा उन रेलवे स्टेशनों पर भी कुछ काम हो जाए। मैं कृपया कंक्लूड करें।
मैं बिल्कुल मेरा मैं, हमारे मेरा जो अगर समय बच गया तो मेरे साथियों को दे दिया जाए, हमारे बलिया के एक और साथी उनका समय। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि फिर से रेल मंत्री जी से आग्रह यही करना चाहूंगा, जो श्रमिक हैं और जो लोग जनरल डब्बे में चलते हैं उनके यात्रा का जरूर ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद श्री राजमणि पटेल जी। वैसे तो आपको 32 मिनट्स थे पार्टी